वेर इज अ बनाना राइड? हेलो बनाना। अच्छा बनाना घर से लाना था क्या? अरे बनाना, अरे बनाना हमें जरा जोर से घुमाना, फिर वापस घर लाना, रास्ते में ना डुबाना, भले हमारी बीवी को ले जाना। आजा आजा, गरम पानी है दोस्तों, इतना मजेदार पानी है ना, ना ठंडा है ना गरम है, जिंदगी के मजे आ गए भाई साहब, एकदम मजे। और मैं ये इतनी गहराई में कैसे पहुंच गया हूँ, 3.8 मीटर हैं? अरे तो मौत के मुंह में जा रहा है पूल, बहुत बड़ी गलती कर दी इधर आके, मरते मरते बचाऊ। इस आदमी को कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, क्यों कर रहा है ये अंदर जाके पानी में, क्या कर रहा है कुछ मालूम नहीं, बस गोप्रो लेके पहुंचा हुआ है। ये पता है कि ब्लॉगिंग करनी है, तैरना आता नहीं, और ये देखो बस चाइल्ड मारने लगा हुआ अंदर। ये आया, ये देखो, ये देखो बस हो गया देखो। कुछ पता नहीं है इसको कहाँ जाना है, 1 2 3 खत्म, बस अब गया। अब सोच रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पानी में तो आ गया हूँ, हो गया, आ जाओ कॉफी पीते हैं। फंस गया, मेरे को बोल के बहुत कॉन्फिडेंस से गया था ना, अब फंस गया। ये देखो ये तैर रहा है। कैसा रहेगा, ना तौलिया दे रही हो, ना कैमरा दे रही हो, ना प्रोत्साहन दे रही हो। मैंने तुम्हें देखा था, एक ही जगह पे तुम स्विमिंग कर रहे थे, एक ही जगह पे रुक गए थे तुम, पता है, हाथ तो मार रहे थे लेकिन पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे बेबी तुम? वो तो मैं एक जगह फ्लोट कर रहा था ना, दैट इज एडवांस लेवल, हर कोई नहीं कर पाता। वो कोई नहीं कर पाता, जिसने सीखा वही कर सकता है। तुम सीखे किससे हो ना, ये टीचर का नाम दे देना जरा, राजा सिखाया मेरे को। अपने लेग्स को जी अंडरवियर में 6 चाबी लटका के रखा था, कच्चे उतर जाता था उसका चाबी के वजन से। एक बार मैं डूब रहा था, तो जब मैं हेल्प हेल्प बोलते बोलते हेल्प की आवाज आना बंद हो गई, तब आया वो और मुझे बाहर निकाल के बोला, ए राजा तू रोज रोज डूबेगा ना, बचाएगा नहीं मैं तेरे को। मैंने उस दिन से सीखना छोड़ दिया। चलो तभी ध्यान से चलना, इस पे बहुत खतरनाक है, हिलता है। अरे ऐसी कैसे चल रही हो, हैं? ऐसा लग रहा है गटर में चल रही हो। अरे अभी क्या करना है, अभी तुम्हें पता है तुम्हें वाटर बॉडी के पास कभी नहीं जाना, तुम्हें अटैक आ जाता है खतरनाक वाला, तुम्हें जिन्न चिपट जाते हैं चारों तरफ से, तो आज से पीपल और पानी के नीचे नहीं जाने का, ठीक है? जाऊंगी अभी आइलैंड पे, जाओगी ना पानी से दूर रहना। आइलैंड पे पानी से दूर रहना है? हाँ, आइलैंड पे रेत और पानी से बच के रहना है। चलो। तो जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए, इतनी बड़ी गाड़ी में दोनों अकेले जा रहे हैं, और सबसे पहले बेबी मेरे को ना 2 किलो वो लगा रही है सनस्क्रीन। अच्छा इसको मिलाना है? 2 मिनट रुक जाओ। कौन मिलाएगा? तुम ही मिलाओगे, लेकिन 2 मिनट रुकने के बाद। मुंह पे एसी मार दिया है भाई साहब ने, थोड़ा सा ऐसे करके सब तो पहुंचते नहीं हो। अरे बेचैनी हो रही है मुंह पे क्यों? ये देखो मैं भी मार रही हूँ। चश्मे पे मत मार लेना अपने। इस आदमी को कुछ आता जाता नहीं है। अरे तुम तो वो लग रही जो मुंह पे टेल्कम पाउडर लगा के मोनो एक्टिंग करते है ना। तुम अपने आप को देख लो स्टेज पे, तुम भी वही लग रहे हो, तुम मुझसे कहीं ज्यादा लग रहे हो, क्लाउन लग रही हो। हाँ, तो तुम्हें तो देख के लग रहा है कि पैदाइशी तुम्हारा यही हाल था। ये
आ गए हम पटाया बीच पे, यहीं पे कल हम लोग घूम रहे थे शायद, ये एंड है पटाया बीच का और यहीं से जा रही है हमारी स्पीड बोट। हमने सबसे पहली वाली स्पीड बोट ले ली है क्योंकि हमको जल्दी वापस आना है। अगर बीच पे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हुई तो करेंगे, स्नॉकलिंग तो करनी है ना बेबी, स्कूबा करना है। स्कूबा तो नहीं करूंगी, बाइक चलाऊंगा मैं। ओके पाजी, बहुत तेज धूप है। चमड़ी पिघल के नीचे गिर जाती मेरे मुंह की। थैंक यू मेरा मुंह बचाने के लिए बेबी। ये सबका फोटो क्यों खींच रहे हैं कि कोई लौट के नहीं आया तो उसका मुंह चेक करेंगे, मुंह मिलाएंगे। पता नहीं क्या मिलाएंगे। किसका फोटो खींचा था ये आदमी, आइलैंड से वापस नहीं आया कुछ, लेकिन लोग पीछे देख रही हूँ मैं जो कि इंडियंस ही हैं और बहुत खराब तरीके से इन लोगों से बात कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। मजाक एक अलग चीज होती है लेकिन किसी का इस तरह से वो करना ना बहुत गलत है। तो जी बीच में हम उतर गए हैं कोरल आइलैंड से पहले, यहाँ पे पैरासेलिंग के लिए जा रही है संभावना। मैं सबसे पहले एडवेंचर कर रही हूँ, अविनाश फटू है इसलिए मैं पहले जाऊँ। तो तुम डिप लोगी, वाटर डिप? हाँ ये देखो लिखवा दिया मैंने। अरे रे रे, व्हाट टाइट, वेरी टाइट। क्या हो गया? वेरी टाइट, बट दिस इज वेरी टाइट, दिस इज वेरी टाइट। ठीक है अभी भी टाइट है तो बोलो ना, बोलो, बोल दो अभी, बोल दो। नहीं फिर भी ठीक है। किस संभावना जा रही है? अरे इसको बांध के भगा दी। ये जा रही है संभावना, ये तो 2 मिनट में उड़ा दिया इन्होंने यार, पतंग की तरह। अरे रे रे, कहाँ ले गए इसको, हे भगवान। डिप दिलाएंगे संभावना को, डिप दिलाएंगे भगवान। ये डिप होने जा रहा है, डिप 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 डिप, ओह माय गॉड। अरे 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 यार, क्या टाइमिंग के साथ डिप दिलाया है और एकदम टाइम पे उठा लिया उसको, क्या टेक्निक है यार। अरे पीछे के रास्ते से ला रहे अभी, उसको समझ में नहीं आया वो कब उड़ गई और कब आ गई। अरे दे दे बेबी। अरे कहाँ चली गई, उतर रही है। अरे रे, इतना आंधी तूफान की तरह हुआ है ये कि समझ में नहीं आया कब उड़ा के ले गए और ले भी आए। अरे दूसरे को उड़ा लिया तुरंत, यार कितना फास्ट काम कर रहे हैं लोग। बेबी क्या हुआ? तुम्हें बता दूं मैं, बैंड बच जाएगी। क्यों? ओके, 2-3 चीजें अभी तुम्हें समझाती हूँ मैं, मेरे को पहले ये दे दो। वो जितना टाइट बांध रही है वो टाइट बंधवाना जरूरी है। ठीक है, कमर पे प्रेशर आएगा बहुत जबरदस्त। ओके, बहुत जबरदस्त है ना, तुम्हारा दिल करेगा कि किसी तरह से मुझे नीचे उतार दो। जैसे तुम्हारी बिल्कुल टाइट हो जाएगी ना, मसल जाम हो जाएगी, तब तुम्हें पानी में डिप कराएंगे, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट जब आप ऊपर आते हो तुम्हारा। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, डोंट गेट स्केयर्ड। सिर्फ मैं तुमको बता रही हूँ कि ताकि तुम अलर्ट रहो, मैं ओके आ चुकी हूँ इसलिए। पहले मुझे जाने देती ना, मैं तुमको अलर्ट कर देता। नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कर रही हूँ ना, जाओ। चलो चलो बेबी जल्दी जाओ। जाऊँ? हाँ फटाफट जाओ, जिन चीजों का मैंने ध्यान रखने के लिए बोला है ना वो ध्यान रखना। उड़ तो नहीं जाएगा? अच्छा नहीं कुछ नहीं होगा, तुम बस टाइट और कमर का ध्यान रखना बेबी। बेबी ये जितना टाइट करने दे, करने दे उनको। अरे डरा दिया तुमने मेरे को, कमर का पता ना बेबी, कमर अभी मेरी गई है। चलो बेबी ऑल द बेस्ट, जाओ 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 जाओ। ये गया अविनाश अब, और मुझे पता है इसकी हालत खराब होने वाली है। डर नहीं लगता है, डरो मत। अब ये मजे ले रहा है, अभी आके पूछूंगी इससे, झूठ झूठ बताएगा सब कुछ। ओ जा अविनाश, पता ही आके ना झूठ झूठ बताने वाला है कि अरे कुछ नहीं हुआ, बहुत मजा आया, इसकी कमर गई होगी, मैंने सच बताया था। आ गया, आया आया आया। मजा आया मुझे, जो तुमने बोला था उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, वैसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को पहले ही पता था तुम झूठ बोलोगे, बस खाली ब्लड रुक गया था थोड़ा सा। क्या बस ऐसा लग रहा था कि ब्लड रुक गया, पैरालिसिस हो गया, बाकी कुछ हुआ नहीं। हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, आंखों में खून उतर आया था, कमर में ऐसा लगा कोई रॉड लगवा दे तो अच्छा रहेगा। मुझे पता था तुम आने के बाद ऐसा झूठ पहले बोलोगे। मजा आया भाई, बहुत मजा आया।
बास्केट दी गई है, इसमें अपनी चप्पल डालनी है और बैग डालना है। डालो, ये लेके जाना है पानी मछली पकड़ने। तो जी हम लोग जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग के लिए, अब आप लोग को मिलते हैं अंदर पानी के। और अविनाश अंदर वही है, चेंज वेंज कर लिया जरा, मैं अविनाश को ढूंढती हूँ कि कहाँ है वो। आ जाओ अविनाश। बेबी तुम कब चली गई? मैं आ गई तुमसे 2-3 मिनट पहले आ गई। अरे तुम तो सुमित थी, तुम्हारे सारे सोचे के करके सामने आ रहे हैं। अंदर एक आदमी मुझे डूबता हुआ दिख रहा था, देखा तो क्लिप तुम्हारा ही था पीछे से। आओ पड़ा, मैंने तुम्हें 300 बार डूबते देखा। चलो सबसे लास्ट शॉट, तुम अंदर के पत्थर कह रहे थे इनसे अच्छा तो हम तैर लेते। चलो मैं तो कहाँ तक चला गया पता तुम्हें? 9 स्विमर होते हुए मैं कहाँ तक चला गया 9 स्विमर होते हुए? चलो चलो वो बोट में बैठे सब। अरे बोट अभी और क्या। तो जी अभी हम लोग आए हैं स्नॉर्कलिंग करके और आ गए हैं कोरल आइलैंड पे। बड़ा ही खूबसूरत है भाई, बहुत ज्यादा व्हाइट सैंड है ना, बड़ा क्लीन बीच है यार। यहाँ तो बहुत कुछ है खाने पीने के लिए, ये सब आगे वही है ना खाने पीने का, लेकिन अपना लंच है इसमें इंक्लूडेड। वहाँ पहुँचने के बाद है लंच। घंटे ना लो इधर स्पेंड कर लो घंटे थोड़ा इधर, कुछ खाने वाने के लिए वैसे है इंडियन फास्ट फूड है ना। एक फुहार और मेरा माथा बहुत काला हो जाता है, माथे का कुछ कर दो, ज्यादा हो गया आँख में चला गया तो। बेबी मैं कह रहा हूँ इसको मिलाओ मत, ये लेयर है ना ये रुकती है अल्ट्रावायलेट रे, मिलाओ मत ज्यादा। चुप रहो, ऐसे वाइट वाइट रहने दो, लोगों को लगेगा मैं भी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। तुम कैसे नहीं दिखते ऑस्ट्रेलिया से? तो जी हमारे ग्रुप के सारे लोग जो हैं वो राइड करने चले गए पहले, और हमारी मैडम ने पहले बोला पहले कॉफी पियेंगे फिर राइड्स करेंगे, तो हम जा रहे हैं कैफे अमेज़न। आई वांट टू ईट समथिंग आल्सो। नहीं भी खाओ मत, नहीं तो फिर राइड में खाना ऊपर आएगा। नहीं ऐसी की तैसी राइड कर ली मैंने जितनी राइड करनी थी, सोचते ज्यादा नहीं होता है, तुम्हारे लिए कर रही है सर। और जो लंच हमें फ्री में मिलेगा वो छोड़ेंगे क्यों, वो भी करेंगे, फ्री की चीज तो मैं कभी ना छोड़ू। कौन सा कैफे अमेज़न है? अभी हमारी एक राइड बची हुई है और ये जो है खाई पे खाई जा रही है। बंदे ने बोला कि राइड करने से पहले कुछ ना खाना, नहीं खाना ऊपर आएगा। इतना कोकोनट खा गई इसने, थाईलैंड के कोकोनट ही खत्म कर दिए आइसक्रीम खा खा के। अरे बनाने तो दो पहले से ही, हाथ बढ़ाए जा रही हो, हाथ को रिलैक्स कर लो, मिलेगी। मोर पीनट एक लॉकर ले लिया है ताकि अपना सामान रख सके, उसके बाद सारी राइड्स पे जाएं। तो लॉकर नंबर देखने क्या है? 22। लॉकर नंबर 22। फोन रख दिया अपने इसमें? हाँ। सनस्क्रीन और लगा लूँ? नहीं जी, ये आ गई हमारी वाटर बाइक, संभावना मेरे साथ ही जाएगी इस पे। बेबी आ जाओ, अरे आओ ना, संभावना पीछे छूट गई, इसको अलग से ड्राइव मिलेगी। भावना को ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ गई, वो कहाँ गई, वो दूसरी बाइक पकड़ के निकल भी गई है। बताओ क्या गिरते पड़ते कर रही हो सब कुछ। मैं आके तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो कहाँ हो। एक बाइक आई उसमें से एक लुढ़कता हुआ प्राणी, पहले घुटने के बल गिरा, उसको ही गिराने वाली थी मैं। है तुमने चलाई बाइक? हाँ। कैसा लगा? मजा आया बहुत है ना। हाँ। अब बनाना राइड कर ले, तुम्हारे पीछे ही है। वेर इज अ बनाना राइड? हेलो बनाना। अच्छा बनाना घर से लाना था क्या? अरे क्या सीधा हो, अरे बनाना बोर्ड करना, खुद बनाना नहीं बनना। या डिप डिप, यस डिप डिप डिप, तेरी मजा आएगा। नो डिप। ओह अरे तो बिना डिप के ही फाड़ू है। ओ मजा आ गया जी, ओ जी मजा सा आ गया। अरे बनाना, अरे बनाना, हमें जरा जोर से घुमाना फिर वापस घर लाना, रास्ते में ना डुबाना, भले हमारी बीबी को ले जाना।